जितेश, सात फेज में यानी कि सेवन फेजेस में अब चुनाव होंगे, तारीखें सामने आ चुकी हैं। बिल्कुल नैंसी, और बेहद इंटरेस्टिंग जो लगातार हम जिक्र कर रहे थे, एके मिश्रा सर ने भी इस बात का जिक्र किया था कि बेहद इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, क्योंकि एके मिश्रा सर ज्यादा बेहतर तरह से बता पाएंगे इसे एनालिस करके कि आखिरकार जो ये तारीखें ये क्या कहती हैं। एके मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी, और अगर मैं देखूं कि पहले की तुलना में 2014 की बात करें, 19 की बात करें, इसको लेकर हम बहुत देर से चर्चा करें, लेकिन इस बीच समझना होगा चुनाव आयोग की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या कुछ नया? नहीं देखिए नैन्सी, मैं आपको बताऊं, भारतीय लोकतंत्र का आधार या उसकी नींव या गतिविधियां, हमारा देश उतना ही मजबूत होगा जितने अच्छे तरीके से ये चुनाव होंगे। दो बड़े बेसिक चेंजेस मुझे दिख रहे हैं जो कि आधारभूत परिवर्तन पे नया इंट्रोड्यूस अब की बार इलेक्शन कमीशन ने किया है। देखिए, एक तो सबसे पहला ये है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना, उसके लिए जो गाइडलाइंस दी है। दूसरा, इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा इस चुनाव का डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है। कहने का मतलब टाइम आपका जो इंडिकेशन है वो एंड्रॉइड ऐप, जो इसका मैं जिक्र कर रही, केवल एंड्रॉइड ऐप नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी का कितना बखूबी यूज हो रहा है। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर सब लोगों के लिए खुली रहेंगी, चाहे आपको वोटर कार्ड रजिस्ट्रेशन या कोई जानकारी लेनी हो, कोई शिकायत करनी हो, उसके साथ साथ उसके साथ साथ आपको अगर कहीं लग रहा है कि गड़बड़ी हो रही है, सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट, इट इज अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के साथ सिटीजन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा मैनेज करने में। और मैनेज कैसे करना है, अगर किसी सिटीजन को लगता है कि यहाँ कुछ घपला हो रहा है, कोई कमी है, वो मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करे और इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा ये बोला जाता था कि चुनाव में पैसे देकर के वोट खरीदे जाते हैं, कैश वगैरह ज्यादा यूज होता है। अब की बार इलेक्शन कमीशन के जो हेड थे उन्होंने क्लियर कट बोला है कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आप हमें शिकायत करिए, वी आर वेरी मच स्ट्रिक्ट। दूसरी चीज देखिए, सारा कोड ऑफ कंडक्ट जो इन्होंने दिया है, इम्फेसिस किस चीज पे हो, ट्रांसपेरेंसी हो, शुचिता हो, हेटर्ड स्पीच वगैरह के लिए इन्होंने मना किया है, वार्निंग दी है, और सोशल मीडिया पे बड़ी नकेल कसी है इन्होंने। देखिए सोशल मीडिया का जब ये सेक्शन बता रहे थे कि पब्लिक गुमराह ना हो, इसके लिए इन्होंने सारी सोशल मीडिया कंपनियों से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनको वार्निंग दी है, अपना समझौता किया हुआ है। सोशल मीडिया कंपनियों ने भी ये कमिट किया है कि वायलेशन जहां पे भी होगा, हेटर्ड वगैरह ये सारी चीजें, स्पीच यूज होंगी ताकि पब्लिक को गुमराह ना किया जाए। ये सब देखिए, ये शुद्धिकरण है और ये एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए देश हित में ये बहुत अच्छी पहल है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था, इलेक्शन कमीशन को मैं बधाई देता हूं, 80-85 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को उनका अधिकार दिलाना वोटिंग का। दुनिया में सबसे ज्यादा मतदाता 6.5 लाख से तो ज्यादा गांव है यहाँ पे। ये अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और बड़ा इफिशियंट है। मुझे गर्व होता है देश की इन संस्थाओं पे कि 100 करोड़ की जनता, 120 करोड़ की आबादी वाले में इतने बड़े टास्क को इतने अच्छे तरीके से करवाना, ये बहुत, मतलब डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि बधाई के पात्र हैं इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। एक मिश्रा जी, एक चीज़ और समझना चाहूंगी मैं इस बीच, जो वोटर्स के लिए इजी वे होगा, क्योंकि वहां पर बताया गया है कि पिक्चर्स भी सामने होंगी आपके सामने, आपको पता होगा किस कौन सा प्रत्याशी आपके सामने है और इस उम्मीदवार को आपको वोट देना है, तो एक अच्छी पहल समझे इसको। ये 101%, देखिए पहले क्या होता था, आप वोटिंग देने जाइए, अगर पिक्चर नहीं होता था, केवल निशान होता था, हमारे गांव में या दूसरी जगहों पे जो बुजुर्ग हैं, जिनकी निगाहें कमजोर हैं या कोई भी और प्रॉब्लम हो, वो ठीक से अपना डिसीजन नहीं ले पाते थे, कई बार वोट देना किसी और को चाहते हैं चला किसी और को जाता था। अब पिक्चर रहेगा तो एक पिक्चर क्या है, एक एडिशनल टूल हो गया उनको पहचानने में कि हाँ भाई हम इन्हीं को वोट दे रहे हैं, पार्टी का निशान भी रहेगा प्लस उसका पिक्चर रहेगा, तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी, गलती की गुंजाइशें यहाँ पे कम रहेगी। इसीलिए मैंने बोला सिटीजन एम्पावरमेंट, ये रियल इफर्ट है डेमोक्रेसी में एक वोटर को एम्पावर करने का जो इन्होंने पहल की है। ठीक है, अगर इसमें बात करें कि लगातार ये आरोप लग रहे थे कि ईवीएम में जो है हैक किया जाता है, ईवीएम मशीन में कुछ खराबी होती है, किस तरह से हैकिंग के जरिए 2014 का चुनाव लड़ा है, मतलब इसको लेकर सवाल लगातार उठाए गए हैं विपक्षी ओर से, अब ये साफ कर दिया गया, हालांकि इसको लेकर कई बार चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि कोई कमी नहीं है, आप चाहते हैं तो चेक करिए आके, लेकिन कोई गया नहीं वहां पर, सिर्फ आरोप लगाए गए। इस बीच में ये जानना चाहूंगी कि जो कहा गया है कि अब ईवीएम मूवमेंट की जो निगरानी है वो अब जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए होगी, यानी कि आप जवाब हो गया विपक्ष के लिए, एक विकल्प सामने है। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए एक मशीन की लिमिटेशन समझिए, ये 101% कोई भी मशीन को कहीं पे भी कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है, तो ये संभावना तो हर मशीन के साथ रहती है। देखिए करेक्ट
करेक्टिव एक्शन इन लोगों ने क्या लिया है एडिशनल उसमें, देखिए एक तो जैसे इसको लेकर उन्होंने कहा था कि आप आइए चेक करिए, इसमें ऐसा कोई चिप नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, अपनी संस्थाओं पे विश्वास है। और फिर भी अगर मान लीजिए किसी को है, तो हमारे ये जितने प्रवक्ता लोग बैठे हैं, ये जाके जो मीजर्स हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए, खुद जाकर के वहां पे करिए। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने अपने आप जो ये दिया है कि जीपीएस मॉनिटरिंग वगैरह ये सारी चीजें जो करने के लिए इन्होंने दिया है, ये बहुत अच्छी चीज है कि मूवमेंट तो ट्रैक हो ताकि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो सके जनता के मन में, और पूरे के पूरे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट है, वोटिंग जो हो रही है वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, ताकि देश के देश का लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब 100 करोड़ लोगों को, 120 करोड़ लोगों, सारे प्रत्याशियों और सारे पार्टियों को ये एहसास होना चाहिए कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक और ट्रांसपेरेंट हो रहा है। सैयद भी हमारे साथ बने हुए हैं और सैयद के पास जाएंगे और सैयद से पूछेंगे। सैयद, ये जानकारी आप लगी है कि नोटा का विकल्प है, वीवीपैट का इस्तेमाल होगा बूथ पर, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो पोलिंग बूथ्स है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 10 लाख पोलिंग बूथ्स होंगे, जो कि पिछले चुनाव को देखा जाए उसकी तुलना में 1 लाख की बढ़ोतरी। जी बिल्कुल नैन्सी, मैं बता दूं सिर्फ पोलिंग बूथ में ही नहीं बढ़ोतरी हुई है, अगर मैं देखूं पूरी तरीके से तो आप पिछले चुनाव के हिसाब से यानी 5 सालों में आपने ये भी आंकड़ा देखा कि लगभग 7 करोड़ मतदाता भी बढ़े हैं, यानी मतदाताओं को देखते हुए 1 लाख जो है वो पोलिंग स्टेशन बढ़ाए गए हैं। तो इस जगह अगर इस चीज़ को देखा जाए तो मैनेजमेंट पूरी तरीके से, अगर चुनाव आयोग जिस तरीके से मैनेजमेंट को पूरी मैनेज किया हुआ है, यानी 1 लाख अगर उधर मतदाता बढ़ते हैं तो एक माफ करिएगा 7 करोड़ अगर मतदाता बढ़ते हैं तो 1 लाख मतदान उनको बढ़ाना उस पर पड़ जाता है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो ये सिस्टमेटिक ढंग से पूरी तरीके से सही है। जी नैन्सी, ठीक है। एक ही मिश्रा जी, अब जो बढ़े हैं अगर वोटर्स की बात करें तो पार्टीज के लिए कितना फायदा होगा, क्योंकि पिछले साल की माफ कीजिए पिछली बार की तुलना में अगर हम देखें तो वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, तो कितना फायदा होगा और जो पोलिंग बूथ्स बढ़े हैं उसको किस तरह समझें? नैन्सी देखिए, साइंटिफिक और टेक्निकल वे में इसको ऐसे समझिए, जो एडिशनल वोटर बढ़े हैं वो कौन होंगे, वो वही लोग होंगे जो पिछले साल 17 साल के थे, आज 18 साल के हो गए हैं, तो ये नवयुवक है। अब सवाल ये होता है जो फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए जाता है उसका मन मस्तिष्क जो है वो पॉलिटिकल वे में उतना मैच्योर नहीं होता है, लेकिन जो पार्टी इन लोगों को रिझा ली तो हार और जीत में ये जो नए वोटर हैं जो पहली बार वोट देने के लिए जा रहे हैं, हार और जीत में बड़ी निर्णायक भूमिका ये निभाते हैं है। इसलिए जो पार्टियां होशियार हैं, सिंसियर हैं, वो इनके ऊपर बड़ा खास नजर रखती हैं, क्योंकि ये नए वोटर हैं, किसकी झोली में ये जाएंगे, जिसकी झोली में ये गए आप समझ लीजिए कि वो एडिशनल नया वोट बैंक उनका तैयार हुआ है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अजितेश, अगर यूपी और उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर कौन से फेज में जो है चुनाव रहने वाला है और किस हिसाब से रहेगा? नैन्सी, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और हमेशा की तरह सबसे ज्यादा चरणों में जहां पर मतदान होगा उत्तर प्रदेश है, यानी कि पूरे देश में अगर 7 चरणों में मतदान है तो उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं 7 चरणों के अंदर मतदान रखा गया, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की बात करें, चूंकि 5 लोकसभा सीटें हैं, एक ही चरण में वहां पर मतदान रखा गया है, और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के साथ साथ नैन्सी ये भी बताना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल और बिहार में भी 7 चरणों में जो है वो मतदान होगा। ठीक है, एक ही मिश्रा जी, एक चीज़ और समझना चाहूंगी मैं, इस बीच एग्जाम को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखा गया, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं, बच्चों की बोर्ड एग्जाम्स हैं, चुनाव की जो तारीखें हैं उसी तरह से डिसाइड की गई होंगी ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। देखिए नैन्सी, मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा, हमारे देश की खासियत और यहाँ के संस्थाओं की, ठीक है, इलेक्शन कमीशन तो एक मेटेरियलिस्टिक बॉडी है भाई, बिल्डिंग्स है, ये है, लेकिन फीलिंग और भावना वहाँ पे भी है। हमारा इलेक्शन कमीशन, हमारी जितनी संस्थाएं हैं, सबसे पहले मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता है। देखिए अभी हमारे चीफ बता रहे थे, हमने ये भी ध्यान रखा है कि कौन से स्टेट में कौन से त्यौहार हैं और किस दिन उपवास रखा जाता है, फास्ट रखा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन या हमारी संस्था, इट इज नॉट मियरली ए बिल्डिंग ब्लॉक्स की ईंट और पत्थर के निर्जीव चीज है, वहां पे भी दिल है, फीलिंग्स को, ये इतनी गजब की चीज है। मैं आपको बताऊं, इतना अच्छी चीज इन्होंने ये बोली, कितने माइक्रो लेवल पे इन्होंने प्लानिंग की है, मेटेरियलिस्टिक वे में देखा जाए, उसके बाद जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स होते हैं, कब इलेक्शन, कब जो है आपके देखिए एग्जाम्स है बच्चों के, किस दिन त्यौहार है, किस दिन लोगों ने फास्ट रखा हुआ है, उसके साथ साथ ये भी देखा है कि ऑफिसेज वगैरह में कब छुट्टी है, हर एक पहलू को, मानवीय पहलू को इन्होंने टच किया है, बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट अब की बार मुझे ये दिख रहा है। सैयद, आपके पास आऊंगी, 543 सीट्स हैं और ऐसे में चुनौती सबसे बड़ी होती है सुरक्षा की, सुरक्षा के मद्देनजर काफी ध्यान दिया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी और है?
जी बिल्कुल नैंसी, मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा के मद्देनजर जिस तरीके से आपने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर ने इस चीज को भी कहा है कि सबसे बड़ी बात जो इस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, सारी सुरक्षा एजेंसियां तो इस पे लगी हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी अहम जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी की है। जैसे GPS के माध्यम से EVM के मोमेंट से लेकर EVM के क्लोजिंग तक, यानी जब तक कि वो बंद हो जाएंगी EVM, उसके बाद जब वो सेफ हो जाती है, रख दी जाती है, उन सब पे नजर रखी जाएगी। अगर EVM को कहीं मोमेंट किया जाता है तो GPS के जरिए उसको ट्रैक किया जाएगा, यानी GPS के जरिए पता हो जाएगा कि इस EVM को यहां से लेकर यहां ले जाया गया है। यानी इस अगर इस चीज को देखा जाए तो पूरी तरीके से पारदर्शिता इसमें दिखेगी। अगर मान लीजिए सपोज दैट किसी भी EVM के साथ कभी अगर छेड़छाड़ होती है तो उसका जो ये जो उसकी ट्रैकिंग के सिस्टम है, ट्रैकिंग के सिस्टम के जरिए हम उसको जान पाएंगे और ट्रैकिंग के सिस्टम से ये बता पाएंगे कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां तो इसमें तमाम काम करती हैं, जिस तरीके से पुलिस हुआ, CRPF हुए, तमाम जवान लगते हैं, लेकिन ये लोग क्या होते हैं, उस कमरे के बाहर होते हैं, लेकिन कमरे के अंदर जैसे CCTV होती है, CCTV के बाद की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर GPS सिस्टम लगाया गया, यानी GPS सिस्टम वो है कि अगर आप एक मोमेंट यानी वन फ्रेम भी अगर आप कहीं डिस्टर्ब करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी इलेक्शन कमिश्नर को होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस बार इस चीज को पारदर्शिता के तौर पर अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। जी नहीं, AK मिश्रा जी, अगर मैं देखूं इसको, समझूं किस तरह से, समझूं कि वोटर्स बड़े हैं, पोलिंग बूथ्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम 7 फेजेस की बात करें, पिछली बार का चुनाव 9 चरणों में हुआ था, 9 फेजेस थे, इस बार 7 फेजेस हैं, क्या समझें क्यों ये बदलाव होगा और कितना इसका असर? नहीं, ये बदलाव ये बताता है भाई, देखने को तो ये हो कि भाई 9 चरण था, 7 क्यों कर दिया, और ज्यादा करना चाहिए था, लेकिन ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन की इफिशियंसी बढ़ी है। वो ऐसे बताता है, मैं आपको बताता हूँ जी, आपके चरण कम हो गए, वोटर बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन बढ़ गए हैं, यानी कम चरणों में आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, यानी आपके ऑफिस की, आपके सिस्टम की इफिशियंसी बढ़ गई है, सिंपल। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर ये 7 चरण में हुए हैं तो इसका सबसे बड़ी खूबी और श्रेय जो इलेक्शन कमीशन को जाता है वो ये है कि इन 7 चरणों में ही इलेक्शन कमीशन ने हर तरीके का बंदोबस्त किया है, और ऐसा शायद इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डिजिटलाइजेशन की जो प्रक्रिया चली हुई है इंडिया में, आप ये देखिए कि इतने सारे डिजिटल इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, डिजिटल कॉन्सेप्ट अब की बार पहली बार जो है ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो इससे एक तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, टाइम कम लगेगा, एक्यूरेसी ज्यादा रहती है, लोगों का विश्वास बना रहता है, इमीडिएट सोल्यूशन किसी चीज का मिल पाता है। तो टेक्नोलॉजी जितना ही ज्यादा इंट्रोड्यूस होगा इन सब कामों में, उतना ही ज्यादा कम टाइम लगेगा, कम फेज होगा, मोर बेटर रिजल्ट रहेगा, बेटर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। इसके लिए भी मैं इलेक्शन कमीशन के मैनेजमेंट स्टाइल को सैल्यूट करूंगा और उनको मैं थैंक्स बोलूंगा। ठीक है, आगे बस वापस आऊंगी, अजितेश मेरे साथ बने हुए हैं। अजितेश, अब देखा जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लागू हो जाएगी आज रात से ही, और इसको डिक्लेयर कर भी दिया गया है, लेकिन ऐसे में जरूरी है जो नियम है उनको फॉलो करना। बिल्कुल, और नैंसी ये बात साफ भी थी कि आज या कल या परसों में जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, यानी आज हो गई है, उसके पहले तमाम लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम चल रहे थे, यानी कि आदर्श आचार संहिता में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो यही होती है कि कोई नया फैसला, नया ऐलान जो लोक लुभावन हो वो नहीं हो सकता है, लेकिन आज से इस पर विराम लग गया है। किसी भी तरह के जो प्रचार रैलियाँ चल रही थी अब वो कानून के मुताबिक होगी, इस तरह से नहीं होगी जो लगातार अभी चल रही थी। और इसके साथ ही साथ खास तौर पर अगर हम देखें चुनाव आयोग की तरफ से जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, सोशल मीडिया के साथ साथ जो हमारी मीडिया है उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर उन्हें निभानी पड़ेगी, खासतौर पर कहा गया कि पेड न्यूज पर नजर रखी जाएगी, इसी के साथ साथ किसी भी तरह की अफवाह जो है वो ना फैले, ये एक इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को भी इस वक्त निभाना है। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी हमारी भी है और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका, और हमारे साथ सैयद भी बने थे, आपका भी शुक्रिया। और इस बीच जो ये बड़ी खबर है, AK मिश्रा जी, एक इंपॉर्टेंट चीज और जानना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नियम सब पर लागू होते हैं। सोशल मीडिया की बात करें, अगर हम मीडिया में जितनी भी एड्स चलते हैं उसको लेकर भी कह दिया गया है कि अब इस पर भी रोक लगा दी जाएगी। अब ऐसे में इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि बयानबाजी जो होती है सामने, बयान जो है लोगों का मत बदल देते हैं, लोगों का विचार बदल देते हैं, इस पर आपने जोर दिया है कि किस तरह से इसको लेकर भी अब डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई अब जो जातिवाद का जो बयान होता है उस पर ध्यान देना होगा। नहीं देखिए, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो होना चाहिए। देखिए, एन केन प्रकारेण सीट जीतने वाली, चुनाव जीतने वाली जो पॉलिसी है ये खत्म करनी चाहिए हम लोगों को। कोई भी जीते, आप अच्छा काम करके, अच्छा बोल करके भी आप चुनाव जीत सकते हैं,
इस चीज को जब पार्टियां सेल्फ डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट होता है, पार्टियां तो मान नहीं रही थी अपने आप, वो अपने आप को डिसिप्लिन में ला नहीं रही थी, तो वो इलेक्शन कमीशन ने अब उनको नकेल पहनाई है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। एंड्रॉयड मोबाइल ऐप वगैरह जो उन्होंने लॉन्च किया है कि आपको कहीं पे भी दिखे कि कैश का वितरण हो रहा है, लेन देन हो रहा है, आप शिकायत करिए। तो ये तो सबसे बड़ा मूलभूत परिवर्तन है कि इलेक्शन को कैंडिडेट्स और पार्टियों को डिसिप्लिन करने का। अगर आप खुद नहीं डिसिप्लिन होंगे तो संस्थाएं डिसिप्लिन करेंगी, ताकि हमारा जो इलेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हो सके, ना कि आप छोटे मोटे मुद्दों पे, जो गिरे हुए मुद्दे हैं उस पे लोगों को बरगला करके, जैसे जाति पात के मुद्दे हो गए, और भी बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कि बहुत नुकसान होता है देश की आइडियोलॉजी को। ऐसे में दलों की तरह, दलों की ओर से कोई भी काम होना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि कहा तो गया है कि भाई नजर रखी जाएगी, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए? नहीं, चुनाव आयोग के लिए चुनौती तो ये भारत जैसे विशाल देश में बहुत जबरदस्त चुनौती है, लेकिन देखिए चुनौती कितनी भी बड़ी हो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन चुनौती को मैनेज करने के लिए अगर आपने कमर कसी हुई है, आप तैयार हो, तो डेफिनेटली इन कंपैरिजन ऑफ पास्ट ऑल ऑफ सडन 100% सब कुछ नीट एंड क्लीन नहीं हो जाएगा, लेकिन पास्ट में जो होती थी उससे इंप्रूवमेंट होगा। एंड इट इज अ साइकिल, साइकिल मींस आज हमने इंप्रूव किया, अब अगली बार जब कहीं पे भी इलेक्शन होंगे साल डेढ़ साल के बाद वो और इंप्रूव होगा। हो सकता है कि अगले दो चार इलेक्शन के बाद सिस्टम ऐसा हो जाए कि आप घर बैठ के इलेक्ट्रॉनिक वे में आप अपने मोबाइल से ही वोट कर दीजिए, उसमें देश का बहुत बड़ा खर्चा जो है बचेगा। अगर सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें हो गई, आपको पोलिंग बूथ नहीं बनाने पड़ेंगे, आपको मिलिट्री ट्रूप्स वगैरह पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको डिप्लॉय नहीं करने पड़ेंगे, तो ये चीजें भी पॉसिबल है। ये टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो रहा है, आने वाले समय पे ऐसा हो भी सकता है, ऐसा उम्मीद हम लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हम डिजिटलाइज हो रहे हैं उससे ये उम्मीद लग रही है कि आने वाले समय में जल्दी ऐसा भी विकल्प सामने हो सकता है। वो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ ये चीज हो सकता है। कई मामलों में अगर ऐसा हो जाए तो वो बहुत अच्छा होगा, टाइम सेफ होगा, किसी को कहीं से भी मोबिलाइज नहीं करना होगा, इमीडिएट काउंटिंग हो जाएगी, कोई फ्रॉड नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एक बहुत बड़ा विशाल और सेफ नेटवर्क बनाना पड़ेगा जहां पे कि 80 करोड़ 90 करोड़ लोग जो है वोटिंग दे सके जब लाइनें ओपन हो। और ये चीजें हो रही हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीजें देखिए आज घर बैठ के हो रहा है, सेल परचेज हो रही है, घर बैठ के ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, प्रिमिटिव एज पे है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है। चलिए, तो ये लगातार हमारी चर्चा जारी है कि आखिरकार जो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इसके जरिए हम किसको कैसे समझें, क्योंकि 2014 में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका और अब का जो दोनों का अंतर है वो काफी दिखाई दिया गया, किस तरह से डिजिटलाइजेशन की ओर चुनाव आयोग भी बढ़ता हुआ नजर आया। कुछ जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है।